दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो एक अजंता कंपनी का इलेक्ट्रिक घड़ी के ऊपर है। तो देखिए इसमें 220 वोल्ट एसी हमने दे दिया है, तो एक घड़ी जो है चल नहीं रहा है, इसमें कोई भी लाइट नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इसको रिपेयर करना पड़ेगा। इसका चारों साइड में जितना भी स्क्रूव है दोस्तों, ये देखिए ये स्क्रूव को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसका ढक्कन खोल जाएगा। तो हम जल्दी से स्क्रूप को खोल लेते। तो देखिए हमने सारे स्क्रूप को खोल दिया है, अब इसका ढक्कन को हम खोलेंगे। तो खोलने के बाद हमारा घड़ी जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर में बहुत सारा धूल मिट्टी गंदगी भर गया है दोस्तों, तो इसको तो साफ करना पड़ेगा, साफ करके काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक सर्किट रहता है दोस्तों, जो कि एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसको वोल्टेज ड्रॉप करके भी इस सर्किट को चलाता है। तो ये देखिए वो वाला सर्किट है। तो ये लगभग छोटा सा एक स्विच मोड एसएमपीएस है दोस्तों। तो ये देखिए इसको भी हम थोड़ा झाड़ पोछ लेते हैं, एक खराब हो सकता है या खराब है दोस्तों, क्योंकि यही सर्किट जो है हमारा घड़ी को चलाता है। इसमें देखिए 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट जो कि इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, इससे हमको पता चलता है लगभग ए 5 वोल्ट और 500 मिली या 600 मिली एम्पियर का चार्जर हो सकता है दोस्तों। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे, इसका जो फ्यूजेबल रेजिस्टर होता है दोस्तों उसको एक बार हम खोल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर वो ख़राब रहता है तो इस सर्किट को हमको चेंज करना पड़ेगा, अगर वो ख़राब नहीं रहता है तो ये सही हो सकता है। तो हम एसी कॉर्ड को भी हम चेक कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो पहले एसी कॉर्ड को हम सीरीज लाइन में एक बार चेक करेंगे कि एसी कॉर्ड भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो देखिए इसमें देखिए एक साइड में तो कनेक्शन नहीं आ रहा है और दूसरा साइड में कनेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है एक साइड में थोड़ा सा जो है धूल मिट्टी है, इसीलिए कनेक्शन ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो हम वायर को खोल के एक बार मल्टीमीटर के मदद से हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के हम इसको चेक कर लेंगे, वायर एसी वाला जो कॉर्ड है वो सही है या खराब है। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है वो देख सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारा पास आता है और हमको टाइम मिलता है उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, कि थोड़ा सा जानकारी अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा जो एसी कॉर्ड है दोस्तों ये मल्टीमीटर में सही दिखा रहा है, तो ये एसी कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका जो फ्यूज़ है दोस्तों, फ्यूजेबल जो रजिस्टर है उसको हम पहले खोल लेते, खोल के एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने वो फ्यूजेबल रजिस्टर को खोल लिया है, अभी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के हम चेक करते तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो ये लगभग 10 ओम से 20 ओम के बीच होगा। तो दोस्तों ये 10 ओम शायद 10 ओम है, तो हम क्या करेंगे एक चार्जर लेंगे, अच्छा क्वालिटी का आपको चार्जर लेना पड़ेगा दोस्तों। उसके अंदर जो सर्किट है वो 5 वोल्ट का चार्जर होना होगा और उसका जो मिली एम्पियर लगभग 500, 400 या 600 मिली एम्पियर के अंदर होने से अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसमें जो आउटपुट का कंडेंसर लगा हुआ है वो भी 16 वोल्ट का है लेकिन 220 माइक्रोफैराड का है। पहले जो सर्किट था वो 470 माइक्रोफैराड का था,
अभी जो हम सर्किट लगा रहे हैं वो 220 माइक्रोफैरड का है। तो इसमें एसी का दो वायर है दोस्तों, लाइन एंड न्यूट्रल, तो दोनों को हम लगा देते उसको देख के। तो अब उसमें वायर का कोई पोलारिटी नहीं रहता है, लेकिन ये डीसी का कनेक्शन जो है दोस्तों वो कॉन्डेंसर को देख के ही आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने सर्किट को लगा दिया है, अभी लाइन दिया है, थोड़ा सा जो है डिजिट में हमको लाइट थोड़ा सा ब्लिंक करते हुए देखा घड़ी में, लेकिन अभी भी घड़ी नहीं चल रहा है। तो इसमें दोस्तों एक स्विच रहता है, देखिए हम दिखाते जहाँ पे हम घड़ी को सेट करते, यहाँ पे देखिए एक रीसेट का स्विच रहता है, एक आउट का रहता है, एक आप का रहता है, एक सेट का रहता है। तो हम रीसेट का स्विच को एक बार दबाएंगे, तो दबाने के बाद देखेंगे हमारा घड़ी में जो है लाइट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जो हमारा घड़ी में लाइट आ गया है, तो रीसेट का स्विच को हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए उसको रीसेट का स्विच को दबाने से इसका मेमोरी क्या होता है, फिर से सेट हो जाता है पहले जैसा। तो ये देखिए तो हमारा घड़ी तो चल पड़ा। अभी इसका जो स्विच है माइक्रो स्विच, शायद इसका माइक्रो स्विच सही से काम नहीं कर रहा है, तो अगर ख़राब होता है तो हम इसका माइक्रो स्विच जो है सारा चेंज कर देंगे, जितना भी है 4 माइक्रो स्विच है। तो हम ऊपर वाला ढक्कन को इसमें लगा दिया है, अभी इसमें हम टाइम सेट करेंगे। तो थोड़ा सा हमने ये देखिए सेट कर भी लिया है, तो अभी फिर से हम करेंगे। अभी एम टाइम दिखा रहा है घड़ी में, अभी जो है पीएम है, तो इसका जो पहले वाला स्विच है वो आउट है, उसके बाद जो वाला स्विच है और सेट वाला उसको दबाने से ये देखिए एक एक डिजिट के ऊपर आता है और डिजिट जो है ब्लिंक करता है, तब जाके आपको दबा के आप इसका जो नंबर है ऊपर ले सकते। तो ये देखिए फिर से हम दिखाते हैं इसको सेट करके। तो ये देखिए इसका जो है सेट वाला बटन दबाने से ब्लिंक करेगा। तो ये देखिए तब जाके आप इसका जो है डिजिट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कम का तो नहीं है, ज़्यादा कर सकते, ज़्यादा करके आप इसको सेट कर सकते। तो अभी देखिए पीएम ही रखा है हमने, लेकिन अभी यहाँ पे 10:15 हो गया है दोस्तों, तो उसको ही हमको सेट करना पड़ेगा फिर से, थोड़ा सा चूक गया था। तो ये देखिए इसमें ट्रेन वाला टाइम भी देता है, अभी देखिए पीएम आ गया, अभी इसमें 10 हम सेट करेंगे। उसके बाद इस साइड में आपका जो मिनट रहता है दोस्तों, अभी इसमें 15 या 16 हो गया है, तो हम 15 कर देते। उसके बाद आउट वाला बटन दबाने से ये बिल्कुल शांत हो जाता है घड़ी। तो अभी देखिए ऊपर में जो है साल को हमको सेट करना है, तो 2022 है दोस्तों, इसको 2022 हम सेट कर देते ये देखिए। उसके बाद अभी जो मंथ है दोस्तों ये 6 है, तो हम इसको भी सेट कर लेते। तो अभी जो है 19 है, तो दोस्तों पहले वाला जो बटन है दोस्तों वो आउट वाला बटन है, उसके बाद सेट वाला बटन है, उसके बाद अप वाला बटन है, उसके बाद रीसेट वाला बटन है। तो हमने देखिए इस घड़ी को पूरा बिल्कुल सही कर दिया, इसके अंदर माइक्रो स्विच का प्रॉब्लम था, इसके अंदर गंदगी भरा था, इसका जो पावर सर्किट था वो भी ख़राब था, उसको भी हमने नया लगा दिया है। तो अभी ये घड़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों टाइम देने के लिए। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।